दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, तो एम्पैथी आपके बड़े काम के साबित हो सकती है। क्योंकि जब आप एम्पैथी के प्रैक्टिशनर होते हैं, आप एम्पैथी को पूरी तरह से समझते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं, आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद करते हैं, और वो सारी बातें शायद आपके साथ शेयर कर दें जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद इस दुनिया में आप ही उनके लिए एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको पूरी तरह से समझते हैं और उनकी बातों पर सही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दोस्तों, अगर एम्पैथी डेवलप कर ली जाए तो आप अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है एम्पैथी को डेवलप करना। एम्पैथी फिर भी डेवलप करी जा सकती है, ये स्किल, ये एबिलिटी, ये वर्चू आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो मैं कुछ तरीके आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में कि आप अपनी एम्पैथी को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे आप एम्पैथी पे मास्टरी कर सकते हैं। देखिए, एम्पैथी डेवलप करने के लिए बहुत सारे धैर्य की, बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है और बहुत सारे फेथ की ज़रूरत है। यस, एम्पैथी की स्किल काम करती है। भले ही आप जब इसके प्रैक्टिशनर बने, जब आपने शुरुआत करी है, तो शायद आपको ऐसा लगे ये तो बेकार की चीज़ है, मैं सिर्फ लोगों की सुनता हूँ, मैं अपनी कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन समय के साथ जब आप इस स्किल पे मास्टरी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप कहीं बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। पर्सनैलिटी के मामले में आपकी पर्सनैलिटी लोग अब पसंद करते हैं और आपसे बातें करना, आपसे शेयर करना, आपको सुनना भी पसंद करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ये फेथ रखना है कि यस, एम्पैथी काम करती है और मैं आज ना सही लेकिन कल परसों मैं इस स्किल को डेवलप कर ले जाऊंगा अगर मैं आज से इस पे काम करना शुरू कर दूं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको गुड लिसनर बन जाना है। जी हाँ, जब आप गुड लिसनर बन जाते हैं तो लोग भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो सुनना जानते हैं, जो दूसरों की बातों को सुन सकते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते, उन पर जजमेंट नहीं पास करते, कोई कमेंट नहीं करते। तो दोस्तों, गुड लिसनर बन जाइए, अटेंशन पे करिए दूसरों की बातों पर, जेन्युइन अटेंशन पे करिए। जब दूसरे अपनी बात कह रहे हों तो आप पूरे इंटरेस्ट के साथ उनकी बात को सुनिए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि वास्तव में जो बात वो कह रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, अगर आप एम्पैथी को अपना हथियार बनाना चाहते हैं तो पहले तो आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये स्किल डेवलप हो जाएगी, अपने ऊपर फेथ रखिए, और तीसरा है गुड लिसनर बन जाइए। चौथी बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि ऑब्जर्व करना सीखिए, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखिए। लोग क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ जो कह रहे होते हैं वही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी बातें कह रही होती हैं। तो आप बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ना सीखिए और आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पर काम करना शुरू कर दीजिए। एम्पैथी पर आप कमांड करके रहेंगे, मास्टरी करके ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।